अदाबी आईपीटीवी सच आपके सामने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि भारत अंग्रेजों को हराकर लगान वसूले तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। दोस्तों इस वर्ल्ड कप में भारत की बेहतरीन प्रदर्शन जारी है और भारत सेमीफाइनल के दरवाजे पर खड़ा है। दोस्तों आपको बता दें, भारत को अभी 3 मैच खेलने हैं और 3 मैच में से सिर्फ 1 मैच भारत को जीतना है और 1 मैच जीतते ही टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। दोस्तों भारत को अभी इंग्लैंड, बांग्लादेश और श्रीलंका से मैच खेलने हैं और रविवार को भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से है और भारतीय टीम इंग्लैंड को हराकर सेमीफाइनल की टिकट पक्का करना चाहेगी और फिर बाकी बचे 2 मैचों को जीतकर पॉइंट टेबल में टॉप पर चले जाएगी। दोस्तों भारतीय टीम जिस लय में अभी नजर आ रही है उसे देखते हुए इंग्लैंड को तो आसानी से हरा देगी। आपको बता दें, मेजबान इंग्लैंड अपने पिछले कुछ मैचों को हारकर सेमीफाइनल की रेस से थोड़ा दूर हो गई है, इसलिए इंग्लैंड पर ज्यादा दबाव है इस मैच को जीतने के लिए, जबकि भारतीय टीम पर ऐसा कुछ दबाव नहीं है, इसलिए भारतीय टीम इस मैच में अच्छा प्रदर्शन करेगी और इंग्लैंड को आसानी से हरा देगी और इंग्लैंड इस मैच को हारते ही सेमीफाइनल की दौड़ से लगभग बाहर हो जाएगी। दोस्तों अगर बात करें इस मैच की तो ये मैच दोपहर 3 बजे से बर्मिंघम में खेलेगी। इस मुकाबले का लाइव प्रसारण आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क, हॉटस्टार और डीडी स्पोर्ट पर देख सकते हैं। वेस्ट इंडीज के खिलाफ विशाल अंतर से जीत दर्ज करने के बाद भारतीय खेमा काफी खुश नजर आ रहा है, लेकिन इस मैच में भारतीय टीम में कुछ परिवर्तन होने की संभावना है। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से परिवर्तन संभव है और देखते हैं कि टीम इंडिया की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। दोस्तों सबसे बड़ा परिवर्तन नंबर 4 पर होगा, क्योंकि नंबर 4 पर विजय शंकर हर बार फेल हो जा रहे हैं। दोस्तों इस वर्ल्ड कप में विजय शंकर को 3 मैचों में मौका दिया गया और 3 मैचों में विजय शंकर ने 29 की औसत से मात्र 58 रन ही बना पाए हैं और बॉलिंग करते हुए सिर्फ 1 ही विकेट लिए हैं। इसीलिए इंग्लैंड के खिलाफ ऑलराउंडर खिलाड़ी विजय शंकर की जगह विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को प्लेइंग 11 में मौका दिया जा सकता है। विजय शंकर ऐसे प्रदर्शन के बाद यह माना जा रहा है कि टीम मैनेजमेंट अगले मैच में ऋषभ पंत को जरूर मौका देगी। दोस्तों इसके अलावा भारतीय टीम कोई भी बदलाव नहीं करेगी। ओपनिंग में रोहित शर्मा और केएल राहुल जोड़ी पारी की शुरुआत करेगी और 3 नंबर पर विराट कोहली आएंगे, जबकि 4 नंबर पर ऋषभ पंत को मौका दिया जाएगा और 5 नंबर पर एमएस धोनी ही टीम को मजबूती देंगे, जबकि 6 और 7 नंबर पर केदार जाधव और हार्दिक पांड्या ताबड़तोड़ बैटिंग करेंगे और गेंदबाजी में मोहम्मद शमी को हटाने का कोई चांस ही नहीं बनता, इसीलिए भुवनेश्वर कुमार को बाहर बैठना पड़ेगा और शमी के साथ बुमराह अंग्रेजों में खौफ डालेंगे, जबकि 2 स्पिनर वहीं रहेंगे, कुलदीप यादव और यजुवेंद्र चहल। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये 11 खिलाड़ी अंग्रेजों को सबक सिखाएंगे? आप अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।